वीडियो देखने से पहले दक्षिणा के तौर पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए लेटेस्ट क्रिकेट और फुटबॉल न्यूज के लिए, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपका दक्षिणा वेस्ट ना हो। तो मैं हमीर और आपका मातिन की रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मैं आ गया एबी टॉक के एक नए एपिसोड लेकर, आज हम बात करेंगे आईएसएल 5 से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो जानने के लिए इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएसएल 5 के लास्ट मैच के बारे में। तो आईएसएल 5 का लास्ट मैच हुआ था कल यानी कि 29 नवंबर, चेन्नई एफसी वर्सेस केरला ब्लास्टर एफसी। मैच ड्रॉ हो गया था, मैच का रिजल्ट सामने आया था, कोई भी गोल नहीं लगा पाया, 0-0 स्कोर था। उसके बाद आज मैच हो गया 30 नवंबर आईएसएल 5 का नंबर 44 मैच, बेंगलुरु एफसी वर्सेस एफसी पुणे सिटी। और इस मैच में बेंगलुरु एफसी ने 2 गोल लगाकर जीत हासिल कर लिया, एफसी पुणे सिटी ने सिर्फ 1 ही गोल लगा पाया था। और उसके बाद नेक्स्ट मैच होगा कल यानी कि 1 दिसंबर आईएसएल 5 का नंबर 45 मैच, जमशेदपुर एफसी वर्सेस नॉर्थ यूनाइटेड एफसी। जमशेदपुर के जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर मैच होगा, शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो इस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर और जियो टीवी पर देख सकते हो, टीवी में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। और इसके बाद चले और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं आईएसएल 5 से जुड़े। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है जमशेदपुर एफसी से जुड़े। तो जमशेदपुर एफसी ने एक नया खिलाड़ी को साइन कर लिया है जिसका नाम है मलसम ज्वेला। तो दोस्तों इनको तो आप जानते होंगे, एटीके ने इनको साइन किया था आईएसएल 5 के लिए, लेकिन इनको मौका नहीं दिया अपने टीम से खेलने के लिए। और अब एटीके से लोन में जमशेदपुर एफसी ने इनको साइन किया है बाकी बचा हुआ सीजन के लिए। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि गौरव मुखी को सस्पेंड मिल चुका है 6 महीना, जिसके चलते अब मलसम ज्वेला को जमशेदपुर एफसी ने साइन कर लिया है अपने टीम से खिलाने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों एटीए का फॉर्मर खिलाड़ी रॉबी किन के बारे में। तो दोस्तों रॉबी किन ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, वो अब किसी भी फॉर्मेट फुटबॉल में नहीं खेलेगा यानी कि कोई भी लीग में नहीं खेलेगा अब से। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि रॉबी किन को एज असिस्टेंट कोच सिलेक्ट कर लिया गया है आयरलैंड नेशनल सीनियर टीम के लिए। तो अभी रॉबी किन असिस्टेंट कोच के काम करेगा आयरलैंड टीम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि शेख फयाज का क्या हाल है, एटीए के लिए क्यों नहीं खेल रहा है। तो दोस्तों शेख फयाज को उन्होंने साइन किया था लेकिन अपने टीम में रजिस्टर नहीं किया था आईएसएल 5 के लिए, और वो अब फिर से मोहन बागान लौट जाएगा। मोहन बागान ने उनके साथ एक डील साइन किया है और एटीए से वो अब फिर से चला जाएगा मोहन बागान में, एक न्यूज सामने आया है। और इसके बाद चलिए मैं आपको एक बार कल आई लीग 12 का जो नेक्स्ट मैच होने वाला है इन 2 मैचों का मैं आपको शेड्यूल दिखा देता हूं, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों कल आई लीग 12 में ये 2 मैच होने वाला है इन 4 टीमों के बीच, तो आप लोग जरूर इस मैच को देखना, आपको देखना पड़ेगा जी टीवी में, हॉटस्टार पर ऑनलाइन में और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स 3 पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले आईएसएल 5 से जुड़े। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अलविदा।